यदि आप भी चाहते हैं किसी न्यू ऐप की फीचर और जानकारी के बारे में सबसे पहले आप जानें, तो नीचे दिए गए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका भाई स्प्रिंगी बॉय। गाइज, आज जो मैं आपको बताने वाला हूं कि ये वीडियो जो उन लोगों के लिए जो अपना 2020 में यूट्यूब चैनल को जो स्टार्ट करना चाहते हो या फिर जो आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो, तो यदि आप जो 2020 में अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो मैं जो उसमें आपको पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 यानी पार्ट 10 तक जो मैं आपका हर एक डाउट को क्लियर कर दिया हूं, तो आप जो सारे वीडियो को देख लेना। आज जो मैं आपको पार्ट 5 बताने वाला हूं कि पार्ट 5 में आज आपको मैं बहुत चीज़ समझाने वाला हूं टाइम में कि आपको आप जो अपने चैनल में जो थंबनेल कैसे लगा सकते हो, अपने वीडियो के ऊपर थंबनेल कैसे लगा सकते हो। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, जैसे कि मैं आपको बता दूं थंबनेल क्या होता है। आप तो जानते ही होंगे कि थंबनेल क्या होता है। यदि जानते हो थंबनेल क्या होता है तब तब जो स्किप कर देना वीडियो को। यदि नहीं जानती होगी थंबनेल क्या है तब जो वीडियो को आप देखना। तो जैसे कि देखो, किसी वीडियो को आप जो सबसे पहले क्या करते हो, यूट्यूब को अपना ओपन करते हो। तो जैसे ही जो आप यूट्यूब को ओपन करते हो तो आपके सामने जो बहुत सारा वीडियो को खुल करके आ जाता है। तो इस प्रकार जो यूट्यूब को पहले खुलने देते, देख सकते हो कितने सारे वीडियो जो है मेरे सामने खुल के आ गया। तो आपके सामने भी जो इसी प्रकार से खुल करके आ जाता होगा। तो आप देख सकते हो वीडियो को ऊपर जो आपको एक फोटो दिखाई देता है तो उसी को हम लोग थंबनेल बोलते हैं। और जो ये कैसे बनता है, कहाँ से बनता है, मैं आपको हर एक डिटेल बताऊंगा। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा देखना। तो मैं सबसे पहले बैक जाता हूँ। तो इसके लिए जो आपको इस एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जो कि आपको डाउनलोड कर लेना थंबनेल मेकर। तो आप जो है प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर लोगे आराम से। प्ले स्टोर पर जाना है आपको, प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना आपको थंबनेल मेकर। तो आपके सामने जो है बहुत सारा खुल करके आ जाएगा ऑप्शन, और जो बहुत सारा आपको बनाने के लिए थंबनेल बनाने के लिए एप्लीकेशन भी आ जाएगा। यहाँ देख सकते हो कितने सारे आ गए थंबनेल मेकर के लिए। तो आप इसमें से चाहो तो कोई सी को भी इंस्टॉल करके जो आप आराम से अपना थंबनेल को जो है बना सकते हो। फिर जो आपका इस तरह से थंबनेल बन जाएगा। और फिर जो मैं बताऊंगा आपको दूसरे वीडियो में कि कैसे जो आप थंबनेल बना सकते हो, मैं इसमें सिंपली बताऊंगा कि आप जो अपने वीडियो के ऊपर थंबनेल कैसे लगा सकते हो, और भी बताऊंगा बहुत कुछ। तो इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद जो आपको एक एप्लीकेशन और सर्च कर लेना है, Y2 Studio, यानी इसे कहते हैं हम लोग यूट्यूब स्टूडियो। यहाँ देख सकते हैं यूट्यूब स्टूडियो के नाम से जो एक एप्लीकेशन आ रहा है। तो मैं जो इसे ऑलरेडी जो इंस्टॉल करके रखा हुआ हूँ, आज मैं जो सिंपली इसे ओपन कर लेता हूँ। आपको जो इसी प्रकार से इसे इंस्टॉल कर लेना है। इस एप्लीकेशन को जो आप इंस्टॉल करके रखोगे तब तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप किसी भी वीडियो में जो आराम से थंबनेल, टाइटल और टैग सब लगा सकते हो। बट यदि आप इस एप्लीकेशन को जो इंस्टॉल नहीं करोगे तो आप जो आपको जाना पड़ेगा अपने यूट्यूब में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके, और फिर जो आपको उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे और जो आपका वीडियो जूम करने में दिक्कत होगा। इसलिए जो आपको ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना सबसे बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार जो आपके सामने वीडियो जो भी आप अपलोड करोगे तो आपके सामने जो इस तरह से वीडियो आ जाएगा। तो आप जाओ तो इसमें जिसका भी आप जो है इसमें थंबनेल लगाना चाहते हो, जैसे कि देख सकते हो मेरा जो फर्स्ट वाले में थंबनेल लगाना चाहता हूँ, तो फर्स्ट वाले वीडियो के ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद जो आप देख सकते हो सबसे ऊपर में जो आपको एक पेंसिल का आइकॉन जैसा दिखा देता होगा, तो पेंसिल के आइकॉन के ऊपर क्लिक कर देना। इसके बाद जो यहाँ देख सकते हो एडिट थंबनेल का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको जो एडिट थंबनेल के ऊपर क्लिक कर देना। इसके बाद जो आप यहाँ से कोई सा भी थंबनेल एक लगा सकते हो। यहाँ से देख सकते हो ये जो आपका 3 दिया हुआ है आपके फ़ोन का, और जो आप यहाँ चेंज जहाँ लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करके जो आप अपने फ़ोन से जो कहीं से भी थंबनेल को दे सकते हो, थंबनेल बना करके इसमें लगा सकते हो। यहाँ देख सकते हो इस तरह से। तो मैं सिंपली अभी बैक हो जाता हूँ। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर जो अपना वीडियो का इसमें टाइटल डाल सकते हो, इसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर जो आप टैग्स को भी डाल सकते हो। तो यदि आप नहीं जानते हो कि टैग्स क्या होता है तो आप हमें कमेंट करो, मैं आपको हर एक कमेंट का जो वीडियो बना करके दूंगा, आपको कोई सा भी दिक्कत आने नहीं दूंगा। इसके बाद जो आप इसी तरह से इसमें थंबनेल लगा सकते हो। और जो यदि आप इस एप्लीकेशन के थ्रू थंबनेल नहीं लगाते हो तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, क्रोम ब्राउज़र पे जाना पड़ेगा। जाने के बाद जो आपको अपने यूट्यूब में लॉगिन होना पड़ेगा। इसके बाद जो आपको जाना पड़ेगा वीडियो मैनेजर में। वीडियो मैनेजर में जाने के बाद जो आपको अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करके जो आपको चैनल में थंबनेल लगाना पड़ेगा, उसमें जो बहुत दिक्कत होगा आपको, और फिर जो आपका क्रोम ब्राउज़र से करने में बहुत सारा परेशानी भी आएगा। इसलिए जो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप जो Y2 स्टूडियो से ही जो अपने चैनल में अपने वीडियो में जो है चैनल में आप जो Y2 स्टूडियो से ही अपने वीडियो में जो है थंबनेल लगाना, और जो बहुत अच्छा होगा। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सिक्स में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो आप वीडियो को एडिट कर सकते हो और फिर जो एक्सपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट का मतलब कैसे आप उसे शेयर कर सकते हो। तो मिलता हूँ फिर पार्ट 6 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।